में पढ़ेंगे ना तो समझ में आता है कि निकिल क्यों यूज किया, उसका रीजन भी है। एक्चुअली निकिल जो निकिल इज अ मेटल, निकिल के दो एटम्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ऑलरेडी नोन था उस टाइम पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ द निकिल वॉज नोन एट दैट टाइम, तो उस वजह से निकिल यूज किया गया। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट निकिल इज यूज्ड। निकिल पर गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं ना, चांसेस आर देयर दैट द इलेक्ट्रॉन मे गेट रिफ्लेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए मैंने बताया था ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना है, इट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड सो ऑन। सो इस पूरे अरेंजमेंट को याद करो, मैंने बताया था इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और ये जो स्टार्टिंग वाला अरेंजमेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। सो स्टूडेंट मुझे याद है, आई थिंक यहां तक तो आपने किया भी था, समझाया था मैंने ये। अब देखो यहां से लेट्स अज्यूम दैट सपोज इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए, बाय चांस इफ दे गेट रिफ्लेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं देखो। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे देयर विल बी द सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कुछ हलचल दिखेगी ना, कुछ मूवमेंट दिखेगी गैल्वेनोमीटर में। तो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब आप में से किसी को याद है मैंने आपको बताया था कितनी एंगल पे, एट व्हाट एंगल द करंट मैक्सिमम कम्स, कितनी एंगल पे मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन या 50 डिग्री, मैक्सिमम 50 डिग्री, 50 डिग्री। यस गुड, चलो कुछ स्टूडेंट का तो ध्यान है। सो दिस एंगल वाज 50 डिग्री, ये है दिस इज 50 डिग्री। ठीक है, तो भले आप अपने डायग्राम में ये लिख भी सकते हो 50 डिग्री, एक एंगल तो लिख ही सकते हैं। ये 50 डिग्री एंगल मेजर कैसे होता है, इट इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रोट्रेक्टर। ये जो सर्कुलर स्केल रखा है मैंने ये वाला, यूजिंग दिस स्केल ये एंगल मेजर होता है, ये 50 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेस, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस प्रोट्रेक्टर अरेंजमेंट। इस प्रोट्रेक्टर अरेंजमेंट में यहाँ पर 0 डिग्री लिखा होता है, देन इट इज 10 डिग्री ओवर हियर, देन इट्स 20 डिग्री एंड सो ऑन। जहां पर अभी खड़े हैं हम लोग, सिलेंडर जहां पर रखा है दैट इज 50 डिग्री, लास्ट में एकदम लास्ट में यहाँ पर होगा 90 डिग्री। सी ओके, सो एक काम करो स्टूडेंट, यहां तक सबसे पहले डायग्राम होना चाहिए, यू ड्रॉ दिस डायग्राम, कुछ मिस हुआ है नहीं बना है तो अभी बना लो जल्दी से, फिनिश दिस डायग्राम। सो आई होप इट इज कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं समझा था कैसे काम कर रहा है। देखो सबसे पहले 50 डिग्री पे मैंने बताया था मैक्सिमा मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि 50 डिग्री पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं। ओके, फिर मैंने कल बताया था ये 50 के आगे आप इस तरफ जाओगे ना, सपोज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब एंगल 40 डिग्री हो गई, तो वापस इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, डिफ्लेक्शन कम हो गया इन द गैल्वेनोमीटर, एंड सपोज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो। एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 40 डिग्री पे पूरा करंट जीरो हो गया, मतलब जब ये एंगल 40 डिग्री है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स फॉल ही नहीं हो रहे। फिर और आगे गए ना, लेट्स से 30 डिग्री की तरफ गए, तो वापस करंट बढ़ने लगा, अगेन इट इंक्रीज्ड एंड बिकम मैक्सिमम। फिर से आगे गए, फिर से मिनिमम हो गया, जीरो हो गया, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर से मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये 50 डिग्री से कम एंगल पे भी ऐसा हो रहा था, 50 डिग्री से ज्यादा एंगल करने पे भी वैसा हो रहा था। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ग्राफिकली ये जो चीज मैंने अभी बताया वो ग्राफिकली समझा देता हूँ। ये देखो सब, दिस इज 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री एंगल, ये है 20 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री।
यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है करंट विच वॉज ऑप्टेड इन द गैलोनोमीटर. सबसे हाईएस्ट करंट जो है वो 50 डिग्री पे था लाइक दिस. उसके बाद ये ऐसा हो रहा है, 40 डिग्री पे वो जीरो हो गया, फिर से थोड़ा बढ़ा ऐसे लाइक दिस, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट थी. देखो ये अगर थोड़ा समझ, अगर आप ग्राफ समझ सकते हो तो सिंपल है. 50 डिग्री पे मैक्सिमम करंट है, 60 और 30 पे जीरो हो गया, फिर से वो बढ़ने लगा 20 की तरफ और 70 की तरफ, फिर से कम हो गया एंड सो ऑन. अब ये जो अजीब पैटर्न है ना, ये एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड था, इट वाज ऑप्टेंड एक्सपेरिमेंटली, तो कोई इसको डिनाई तो नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे. तो ये जो अजीब पैटर्न है, मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, ये अजीब जो पैटर्न है ना, ऐसा हमें मालूम है कि ये जो पैटर्न है ना, ये लोगों को मालूम था कि ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग दिस पैटर्न. लेकिन ऐसा जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये पैटर्न कभी भी कोई पार्टिकल्स नहीं दिखाते. पार्टिकल्स नेवर शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, सच बिहेवियर. ये जो बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर को डायफ्रेक्शन कहते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, दिस बिहेवियर इज नोन एज डायफ्रेक्शन. डायफ्रेक्शन क्या है, कभी सुना है क्या आपने ये वर्ड डायफ्रेक्शन? आई एम आस्किंग, यस सर. वेव ऑप्टिक्स चालू किया ना चैप्टर, आई थिंक सो. यस बोल रहे हो, मतलब वेव ऑप्टिक्स चालू किया होगा. ठीक है, सबको याद है वेव ऑप्टिक्स चालू किया आपने? यस सर. तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस टॉपिक हो गया, इंटरफेरेंस हो गया. उसके बाद डायफ्रेक्शन चालू हो गया, हो गया. या तो ये डायफ्रेक्शन है स्टूडेंट, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, दिस इज कम्प्लीटली अ डायफ्रेक्शन पैटर्न. डायफ्रेक्शन पैटर्न ऐसा होता है, डायफ्रेक्शन में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा ऑब्टेंड होता है, जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमा कहते हो डायफ्रेक्शन में, और फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप अवे जाओगे, 50 डिग्री से अवे जाओगे, मैक्सिमा की स्ट्रेंथ कम होती जाती है. The brightness of the maxima goes on decreasing. ये देखो, तो वैसा सेम पैटर्न पता है यहाँ पर ऑब्टेंड हो रहा था इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स वर डूइंग डायफ्रेक्शन, हम ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वर शोइंग, निकल में से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स वर शोइंग डायफ्रेक्शन पैटर्न. इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रहे थे. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वेव है, बिकॉज डायफ्रेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ वेव्स. वेव्स जो है ना, वो डायफ्रेक्शन दिखाती है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज शोइंग अ डायफ्रेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इंडीड अ वेव. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने प्रूव किया, जस्ट वन सेकेंड, तो सबसे पहले डेविलसन जर्मन ने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग द डायफ्रेक्शन. ये कंफर्म हो गया फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग डायफ्रेक्शन. डायफ्रेक्शन इज अ फिनोमेना ओनली शोन बाय वेव्स, वेव्स ही डायफ्रेक्शन कर सकती है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. ये प्रूफ हो गया. हाँ बोलो, क्या डाउट है बोलो. अभी जो ओम है, मिस्टर ओम इज सेइंग डायफ्रेक्शन बताओ. डेफिनेशन बताओ मतलब क्या, वो एक छोटा सा एक सेंटेंस में नहीं आता, इट्स अ ह्यूज फिनोमेना. डेफिनेशन में बता सकता हूँ, नो डाउट. डेफिनेशन आई विल टेल यू, डेफिनेशन का डेफिनेशन में कंफ्यूजन है तो बता दूं, वो एक मिनट में हो जाएगा. बाप बोला कि पूरी फिनोमेना एक्सप्लेन करो, वो तो बहुत बड़ा काम है. ठीक है, और आपका आई थिंक वो हो गया है, तो मैं वापस करने की कोई नीड नहीं रहती है मेरी. तो सी, एक सिंपल अगर एग्जाम्पल दूं मैं डेफिनेशन का, तो क्या होता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. इनकेस अगर किसी ने डायफ्रेक्शन मिस कर दिया है वेव ऑप्टिक्स में, ये डायफ्रेक्शन की बेसिक्स नहीं पता, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली डायफ्रेक्शन क्या है अगर वो नहीं पता, तो थोड़ा समझा देता हूँ. ये दोनों दिख रहे हैं, ये दो चीजें, थिंक ये ऑब्स्टेकल है. ऑब्स्टेकल मतलब इन दोनों में से वेव पास नहीं हो सकती है,
वेव कैन नॉट पास थ्रू दिस ऑब्स्टेकल, बट इन दोनों ऑब्स्टेकल के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप से वेव पास हो सकती है, तो इस गैप को स्लिट कहा जाता है, स्लिट, इट्स कॉल्ड स्लिट. अब सपोज यहां पे आपने एक सोर्स रखा है, वी हैव केप्ट अ सोर्स, ठीक है. इसमें से जब वेव निकलेगी, लेट्स से फ्रॉम दिस सोर्स वेव इज कमिंग, तो वेव ऐसे हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, ये देखो ऐसे. जो वेव ऑब्स्टेकल पे गिरेगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन जो स्लिट पे गिरेगी, स्लिट में से वो बाहर निकल आएगी, ऐसे, ठीक है. अब सपोज यहां पर हमने स्क्रीन रखा है, स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, स्क्रीन पे भी जाके ये वेव गिरेगी ना, तो स्क्रीन के ये पार्ट से लेके ये पार्ट तक, देखो फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, यहां तक वेव गिरनी चाहिए, पता है, ये देखो. बट इसके आगे यहां पर वेव नहीं गिरनी चाहिए एक्चुअली, मतलब अगर हम लोग इसे लॉजिकली सोचे, वेव यहां पे नहीं गिरनी चाहिए. दिस इज शैडो रीजन. आई एम अज्यूमिंग कि जो वेव है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है लाइक दिस, तो यहां गिरनी चाहिए, ठीक है. स्टूडेंट मैं थोड़ा सा डायफ्रेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वी सॉ दैट ये जो स्लिट है ना, अगर स्लिट की जो साइज है, स्लिट की जो लेंथ है, अगर इट इज वेरी मच क्लोज, इट्स वेरी मच क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, स्लिट की जो साइज है अगर वो वेवलेंथ से कंपेरेबल है, मतलब अगर वेवलेंथ, लेट सपोज वेवलेंथ मिलीमीटर्स में है, स्लिट की साइज भी कुछ मिलीमीटर्स में है, मतलब दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हो गए, तब डायफ्रेक्शन होता है. अंडर दिस कंडीशन डायफ्रेक्शन इज ऑब्जर्व्ड. डायफ्रेक्शन क्या होता है, ये जो वेव है ना, यहां से ऐसे स्प्रेड होके ऐसे हो जाती है, द वेव स्प्रेड लाइक दिस, देखो. तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेव जो है वो यहाँ पे बेंड हो रही है, इट्स बेंडिंग एट द एजेस, बेंड होके वो शैडो रीजन में भी चली जाती है, शैडो रीजन में भी जाएगा. हाँ हाँ, क्या बोल रहा, वही सर, शैडो में भी जाएगा. हाँ, तो बेंड होके शैडो रीजन में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन. ये फिनोमेना वेव्स के साथ होती है, पार्टिकल्स नेवर शो दिस काइंड ऑफ अ डायफ्रेक्शन, पार्टिकल कभी डायफ्रेक्शन शो नहीं करते. एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, पार्टिकल कभी भी डायफ्रेक्शन शो नहीं करते. देखो सपोज ये एक दो वॉल्स है, बीच में स्लिट है, पार्टिकल डायफ्रेक्शन नहीं शो करते, वो मैं दिखा देता हूँ एक बार. ये स्क्रीन देखो, एक बार सपोज यहां से मैं ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एंड आई एम थ्रोइंग सपोज सम पार्टिकल्स ऑन द स्क्रीन, कुछ पार्टिकल फेंक रहा हूँ, लेट सपोज टोमेटोस फेंक रहा हूँ, टोमेटोस, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है बट चलेगा, ठीक है. यहाँ से मैं टोमेटोस फेंक रहा हूँ ऐसे, ठीक, टमाटर फेंक रहे हैं, टोमेटो तो पार्टिकल है ना, तो टोमेटो ऐसे जाएगा, देखो स्क्रीन लाल कर देगा वो, ऐसे भी गिरेगा, यहाँ पर भी स्क्रीन पूरी रेड हो जाएगी टोमेटो की वजह से, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक पूरा स्क्रीन शायद रेड कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टोमेटोस. लेकिन एक बात, आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई टोमेटो ऐसे जाके, ऐसे होके इधर जाके पहुंचेगा, नहीं, इधर डालोगी क्या, इधर नहीं, नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा, कुछ भी कर लो, पहुंचा के दिखाओ टोमेटो वहां पे, यहाँ पे कभी नहीं, क्योंकि टोमेटो से बेंड होके इधर नहीं जाएगा बिकॉज इट इज अ पार्टिकल. तो फिनोमेना ऑफ वेव्स है ये डायफ्रेक्शन. डायफ्रेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स और एनी वेव्स एट द एजेस ऑफ द कॉर्नर, ठीक है. साउंड भी डायफ्रेक्ट होता है, साउंड ऐसा होता है डायफ्रेक्शन, लाइट कैन ऑल्सो हैव अ डायफ्रेक्शन, लेकिन डायफ्रेक्शन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है. तो चलिए अभी और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो पूरा अलग से एक चैप्टर हो जाएगा वो तो, ठीक है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या शो कर रहे थे, डायफ्रेक्शन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स इज अ वेव. तो देखो अभी ये तो साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है बिकॉज वो डायफ्रेक्शन कर रहा है, ठीक है. अब सेकेंड हमें ये करना है कि इसकी वेवलेंथ भी निकालनी है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये जो इलेक्ट्रॉन इसे जा रहे ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन वेव है बेसिकली, तो इसकी वेवलेंथ भी निकालनी है हमको.
ओके वो कैसे निकलेगी ध्यान से देखो हाउ टू फाइंड दैट जस्ट सी टू इट एनीबडी आप में से एक बात बताओ यहां पर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन याद है आपको इलेक्ट्रॉन यहां से 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है हियर इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस अब इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस तो एक फॉर्मूला थी मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by potential difference a formula the it was 12.28 angstrom divided by root of v ye formula yaad hai students banayi thi yaad hai ye formula tabhi apply karni hoti hai jab yes kuch student to yes bol rahe hain ki yaad hai I'm sure ha तो ये फॉर्मूला तभी लगानी होती है जब इलेक्ट्रॉन है ना इट इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे भी लगा सकता हूं हियर आल्सो यू कैन सी हियर हियर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है या तो ये फॉर्मूला मैंने बताई थी एनीबडी ये वी कितना डालना पड़ेगा हमें 54 54 इट विल कम नियरली 1.67 एंगस्ट्रॉम वो आप खुद कर सकते हो कैलकुलेटर पे ऑन सॉल्विंग दिस दे गॉट द आंसर 1.67 एंगस्ट्रॉम So, देखो कितना इजीली मेथड एक उन्होंने डेवलप किया इस मेथड से उन्होंने फाइंड किया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम आ रही है वन मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये 1.67 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आ गई देख लो है ना एक मिनट अभी लिख लो पहले इफ यू वांट यू राइट इट डाउन फर्स्ट लिख लिया देखो तो इन्होंने क्या इनको फाइंड आउट हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना इससे इसकी वेवलेंथ हमने फाइंड की 1.67 एंगस्ट्रॉम ठीक है लेकिन ये हमने वो है ना डी ब्रॉगली फॉर्मूला यूज करके फाइंड की जो अभी हमने फॉर्मूला यूज की इट वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली ओनली एक फॉर्म मिल तो गया लेकिन अभी इसको और अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं देखो आगे जाके मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डायफ्रेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग डायफ्रेक्शन और 50 डिग्री पे मैक्सिमा ऑब्टेंड होता है मैक्सिमा इज ऑब्टेंड एट 50 डिग्री ये सब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना ये 50 डिग्री डायफ्रेक्शन इज ऑब्टेंड एट 50 डिग्री मैक्सिमा इज ऑब्टेंड ये सब जो डेटा है ना उसको यूज करके देखो डायफ्रेक्शन भी एक्चुअली में काफी बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में थोड़ा सा ही डायफ्रेक्शन है नॉट मच इन डिटेल लेकिन डायफ्रेक्शन को यूज करके डायफ्रेक्शन की फॉर्मूलास को यूज करके इन्होंने फिर से एक लैम्बडा निकाला मतलब यूजिंग द फॉर्मूलास ऑफ डायफ्रेक्शन द डेविसन एंड जर्मर अगेन कैलकुलेट द लैम्बडा लैम्बडा उन्होंने फिर से कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूलास ऑफ डायफ्रेक्शन अब उन्होंने ये कैसे फाइंड आउट किया यूजिंग डायफ्रेक्शन फॉर्मूलास वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ठीक है मुझे मालूम है वो कैसे होता है आई वेरी वेल नो दैट थिंग आपको चाहिए तो आप बाद में पूछ भी सकते हो जब हम लोग सपोज क्लासरूम में मिलेंगे आप बाद में पूछ सकते हो मैं बता दूंगा उसमें कोई नहीं बट टेक्स्ट बुक हैज नॉट गिवन डायफ्रेक्शन की कुछ फॉर्मूलास को यूज करके यूजिंग सम फॉर्मूलास ऑफ डायफ्रेक्शन डेविसन एंड जर्मर अगेन कैलकुलेटेड द लैम्बडा लैम्बडा फिर से उन्होंने कैलकुलेट किया ठीक है कैसे किया आप चाहिए तो आप बाद में पूछो आई विल एक्सप्लेन मुझे आता है वो चीज मैं बता दूंगा तो कुछ डायफ्रेक्शन की फॉर्मूलास को यूज करके उन्होंने लैम्बडा फिर से निकाला और वो लैम्बडा आया 1.65 एंगस्ट्रॉम देखिए यहां से एक मेथड से उन्होंने लैम्बडा निकाला फिर डायफ्रेक्शन के मेथड से भी लैम्बडा उन्होंने निकाला आप जाके अगर आपने डायफ्रेक्शन पढ़ा है आपने डायफ्रेक्शन में फॉर्मूलास हैं कुछ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा ऐसे फॉर्मूलाज है उसमें लैम्बडा उस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है
So they calculated lambda using some formulas of diffraction. It comes 1.65 angstrom. Ye dono dekho dhyan se. Are they very close to each other? Yes, indeed. They are very close. Hardly pata hai dono mein, dono values mein 0.02 angstrom ka fark hai. 0.02 angstrom ka, which is very much negligible. Almost they are very close to each other. So इन्होंने वेवलेंथ दो तरीके से निकाला एंड इट वाज कंफर्म दैट यस दीस आर वेरी मच इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं ऑलमोस्ट. सो इट वाज कंफर्म दैट यस इलेक्ट्रॉन इज इंडीड अ वेव व्हिच कैन शो द डायफ्रेक्शन आल्सो एंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रॉम. ये कंफर्म हो गया. ठीक है, तो अब आप ऐसे मत मान लेना कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमेशा 1.67 एंगस्ट्रॉम होती है. इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ना, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मोमेंटम पे डिपेंड करती है. डी ब्रॉगली ने हमको यही बताया ना, लैम्बडा इज एच बाय पी, याद है? तो एच तो कांस्टेंट है, पी क्या है? लीनियर मोमेंटम. तो वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम पे डिपेंड करती है. तो हमेशा 1.67 आएगी ऐसा नहीं है. But this is the wavelength of those electron which were used in the Davison-Germer experiment. So in dono methods se unhone wavelength find kiya and it was coming same. That's why it is proved now, ye experimentally proven fact hai, it's a truth now that electron is a wave. Electron wave hai. Theek hai, to jaise light ek wave mante ho na, waise electrons bhi waves hai. Clear? So this completes your Davison-Germer experiment. देखो, अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि सर ये डायफ्रेक्शन से कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग डायफ्रेक्शन, तो आप इसको पेंडिंग करके रख लो, मतलब कहीं लिख लो ये कि ये डाउट है. लेटर ऑन वी विल मीट इन द क्लासरूम एंड ऑल, यू कैन आस्क एट दैट टाइम. अब पता नहीं कब क्लासरूम में मिलेंगे, हो सकता है एक महीने दो महीने बाद, और आई डोंट नो. कुछ आइडिया है किसी को, लॉकडाउन कभी खुलेगा? मतलब क्लासेस के लिए कब खुलेगा, क्लासेस और स्कूल्स के लिए? दिसंबर एंड, दिसंबर तक सर. दिसंबर? पागल हो क्या, दिसंबर बोल रहे हो? मुझे लगा शायद अक्टूबर तक आएगा. नहीं, ओके, लेट्स एग्री. ओके, लेट्स एग्री विद दिस. ठीक है, अब क्या करें, वो भी जो है वो हमें हैंडल करना है. अभी चाइना ने जो किया है, वी हैव टू हैंडल दैट. ठीक है, चलेगा. नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे अभी. आप लोग का तो ऐश है ना, आप लोग का तो ऐश है. हाँ, पता है अभी कुछ स्टूडेंट ने मैसेज करे कि हाँ सर, वी विल डू इट, हम लोग करेंगे ये सब. पता है आप घर पे भी कितना करते हो, मुझे पता है. ठीक है, ये जो एक घंटा सर, एक घंटा जो लेक्चर चलता है मेरा, उसमें भी आपका ध्यान जो है वो डायफ्रेक्ट हो जाता है, मतलब बेंड होके कहीं और चला जाता है आपका ध्यान. आपके कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो डायफ्रेक्ट होता है यूजुअली ड्यूरिंग लेक्चर. तो पता है कितना करते होंगे आप लोग. चलो, इट्स ओके, ये सबके साथ है, व्हाट वी कैन डू. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया, एंड विद दिस वन आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया. द चैप्टर ऑल्सो गॉट फिनिश्ड. ओके, चैप्टर भी फिनिश हो गया. तो चैप्टर भी काफी छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू टॉपिक्स, इसमें दो ही टॉपिक है मेनली. एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इट वॉज अ फिनोमिना जिससे ये साबित हो गया कि लाइट जो है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी है, है ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना विच प्रूव्स दैट लाइट ऑल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर, विच अल्टीमेटली प्रूव्स दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. और उसके बाद हमने डिस्कस किया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स व्हिच यू अज्यूम एज अ पार्टिकल्स, दे कैन आल्सो हैव अ वेव नेचर. ठीक है, तो अभी भी कुछ लोगों को डाउट यही होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव वगैरह है, मतलब विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा होगा. ठीक है, देखो, किसी ने भी आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है. नोबडी हैज एवर सीन द इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स को भी किसी ने नहीं देखा है, न्यूट्रॉन्स भी किसी ने नहीं देखा है. ठीक है,
किसी किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर दिखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वर्क्स एज अ पार्टिकल, और किसी किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी दिखता है. इट डिपेंड्स दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उस पर बेस्ड है, विच एक्सपेरिमेंट यू आर परफॉर्मिंग. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा ही होता है. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स कुछ इसी नेचर का होता है, कंफ्यूजिंग होता है काफी. यहाँ पर तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बोलेंगे सर पूरा फिजिक्स ही कंफ्यूजिंग है, क्या क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हो आप, पूरा ही फिजिक्स कंफ्यूजिंग है. नहीं, ऐसा तो नहीं है. मैं अगर एक सिंपल तरीके से बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, दो मिनट सुन लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए. फिजिक्स जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, मतलब ओल्ड फिजिक्स डेवलप बाय न्यूटन, और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स. एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक है क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स काफी इजी होती है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन अवर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस. हमारे डेली लाइफ में जो भी चीजें होती है, आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो वो चीज मूव होती है, ग्रेविटी हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है. क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना वो डेली लाइफ पे बेस्ड है, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से. सो उसको समझना बहुत ईजी होता है क्योंकि हमने वो चीजें डेली लाइफ में देखी है. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अलग होती है. इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अवर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस. आपका डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर एक घंटा बीत गया, वन आवर इज ओवर, एक घंटा हो गया, तो मेरे लिए भी एक घंटा हो गया और आपके लिए भी एक घंटा हो गया. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है. क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक घंटा हो गया, मेरे लिए एक मिनट ही हुआ है खाली. वो डिपेंड करेगा हमारी स्पीड क्या है उस पे. तो क्वांटम मैकेनिक्स अलग ही दुनिया है, इट्स वेरी मच डिफरेंट. हो सकता है आपके लिए एक घंटा हो जाए लेकिन मेरे लिए खाली एक ही मिनट आगे बढ़ेगा, ये अलग चीज है. तो दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. उसमें चक्कर में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन ही होगा. ठीक है, सो फिलहाल इस चीज को थोड़ा डाउट रहेगा आई एम श्योर दैट हाउ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. आई सजेस्ट ज्यादा डिटेल में मत जाओ तो अच्छा रहेगा. अगर कोई फिजिक्स को आगे परस्यू करेगा तो नहीं है डाउट सर अभी. हां, रिपीट करो क्या बोला आपने. वही सर, अभी डाउट नहीं है, क्लियर हुआ. हाँ, आपको लग रहा होगा सर एक ही चीज डिटेल में बोल रहे हैं, क्या करने का इतना है ना. मैं सिर्फ कुछ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है ना, आई मार्क माय वर्ड्स, जो इंटरेस्टेड है उनको खाली ये डिस्टिंग्विश बता रहा था कि क्लासिकल और क्वांटम में फर्क क्या होता है. ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक फिनिश करके कुछ नहीं होता है, कुछ साइड बाय साइड नॉलेज होता ही नहीं है किसी स्टूडेंट को. तो वो बता रहा था कि क्लासिकल और क्वांटम में फर्क क्या है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. आज मैं सारी फॉर्मूलाज आपको दे देता हूँ स्टूडेंट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थी इस चैप्टर में. सबसे पहली फॉर्मूला है विच यू मस्ट रिमेम्बर, the energy of the photon is given by this formula h into nu, but it is also given by this formula h nu ko likh sakte hain c by lambda. remember isme h ki value at least yaad kar lo. its h is Planck constant, its value is 6.63 into 10 power minus 34. aur agar aap iska unit nikalne ki koshish karoge from this particular formula you can calculate the unit also. यूनिट कम्स जूल सेकेंड. ठीक है, इसके बाद सेकेंड, मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय एचसी बाय लैम्ब्डा, नो डाउट एचसी की वैल्यू अगर हम लोग डालोगे 12,400 एंड लैम्ब्डा यू कीप इट इन एंगस्ट्रॉम ओनली. So, ये जो आपका एनर्जी ऑफ ए फोटोन है ना, इट विल कम डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी अगर एच सी का वैल्यू ये डालोगे, डिवाइड बाय लैम्ब्डा इन एंगस्ट्रॉम. तीसरा फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, याद है ये, इट्स आइंस्टाइन्स इक्वेशन. चौथा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय E times stopping potential, E times V naught. इसमें
अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना चाहते हो, मतलब डायरेक्टली यू वांट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी सिंपली इक्वल टू वी नॉट इन वोल्ट्स. यहाँ पे ई वी नॉट है ना, ई को छोड़ दो, रिलीज द ई, ओनली राइट ऑन वी नॉट. खाली वी नॉट लिया ना तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अगर आपने ई मल्टीप्लाई किया साथ में तो वो जूल्स में आएगी फिर. Then you will get in joules. ये सब बताया था मैंने. Next आगे बढ़ते हैं. Work function. W is a work function. It is given by h times nu naught. Nu naught is a threshold frequency. And nu naught को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c by lambda naught. Lambda naught is a threshold wavelength. बताया था ये चीजें. So these are the formulas related to photoelectric effect. Note कर लो अगर नहीं किया तो. Sixth formula है de Broglie की. Lambda is h by p. जिसको भी dual nature होता है उसके लिए आप ये formula लगा सकते हो. नेक्स्ट एक फॉर्मूला है लैम्ब्रा इज एच अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी. सी दिस, ये भी हमने डिराइव की थी, एच अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी. आप में से कोई बता सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नहीं कोई भी पार्टिकल, इफ एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस आ जाएंगी? के की जगह क्या लिखोगे इन प्लेस ऑफ के? क्यू इनटू वी. हाँ वो लिख लो, आप लोग कर लो, वो लिख लो. काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू इनटू वी भी लिख सकते हो, लिख लो. ठीक है, सो ये सब फॉर्मूलाज हैं विच अ स्टूडेंट. ओके, ठीक है, और एक दो फॉर्मूला और है. देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना किसी भी पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी के, इट इज आल्सो गिवन बाय पी स्क्वायर अपॉन 2m. ये भी हमने डिराइव करवाई थी मैंने, सिंपल होती है ये. Kinetic energy can also be given by p square upon 2m of the body. Is it okay? So, ये सब formulas हैं. आज बाकी remaining time में क्या करेंगे? We will solve two or three problems on these topics also. दो तीन और problems solve करेंगे on these formulas. ठीक है? चलो आज थोड़े न्यूमेरिकल्स अभी कर लेते हैं. बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है थियरी, लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, राइट ऑन फर्स्ट. अ लेजर लाइट ऑफ आउटपुट पावर, अ लेजर लाइट ऑफ आउटपुट पावर 10 वॉट्स. 10 watt is emitting the photons of wavelength, is emitting photons of wavelength 5000 angstrom. Photon of wavelength 5000 angstrom. Then find number of photons emitted. Then find number of photons emitted by the laser per second. Then find a number of photons emitted by the laser per second.
सबने ये मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, डोंट वरी, बिकॉज इट्स अ न्यू टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. लेकिन एक बार रीड तो कर लो, और जो रीड कर रहे हो वो थोड़ा विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इमेजिन करो ये चीज. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द डिवाइस, मतलब लेजर एक डिवाइस है और लेजर के पावर पे डिपेंड है, पावर बेस्ड क्वेश्चन है ये. सो इसकी फॉर्मुला वगैरह तो आपको नहीं मालूम पावर को कैसे डील करना है, तो देख लो मैं करा देता हूँ. ठीक है, पावर बेसिकली पता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम आपने सुना होगा, वर्क अपॉन टाइम. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट पावर, मतलब जो पावर लेजर से बाहर आ रहा है उसके बारे में बात करें. आउटपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर इज नथिंग बट the energy which is emitted by the laser, the energy which is released by the laser per unit time, jitna energy ek second mein niklega wo hota hai output power. The energy per second is the output power. Power aapko malum hai na, work upon time hota hai, yahan pe energy upon time aayega na, that is output power. Theek hai, ab dekho, suppose assume karte hain, let's assume that n number of, ध्यान से देखो, n number of photons, n is number of photons which are released or emitted. N is a number of photons which are released in the time of t. Okay, तो देखो, n is a number of photons which are released in the time of t seconds. Simple है. N photons t second release हुए, ठीक है. So देखो अभी ये formula मैं continue कर रहा हूँ. Power is energy upon time, ठीक है. हाँ, अब एक बार बताओ, अगर एक भी photon निकला, suppose laser में से एक photon भी निकला, so जो उस photon की energy होती है, that energy is hc by lambda. तो अगर एक भी photon निकला, मतलब इतना energy निकल गया ना. So, अगर यहाँ पे देखो n photons अगर निकले, n photons निकले, so this is the overall energy released, n times hc by lambda. So this is the energy released when n photons will be released. अच्छा, n photons कितने टाइम में निकले, t टाइम में, मतलब this much energy is released, this is the energy which is released in the time of t second. इसको t से डिवाइड कर देंगे, so ये बन गया energy released per second. That is power. Power के formula होती है, ठीक है. इसमें n by t को आप अलग से रखो, मतलब keep n by t together and keep hc by lambda together. ये n by t दिख रहा है, थोड़ा सोचो ये n upon t क्या देगा हमको. What is n upon t? It is number of photons divided by time. क्या हो जाएगा? Intensity. देखो वो, हाँ इंटेंसिटी बोल सकते हैं, वो प्लैंक थ्योरी में आप बोल रहे हो नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब लेकिन मैं इसको एक, हाँ बराबर है आपका, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, लेकिन और सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट्स अ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड पर सेकंड, क्योंकि डिवाइड बाय टी है ये. तो यही तो आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट यू टू फाइंड आउट, यू टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड. एन बाय टी ही हमको फाइंड आउट करना है, वी विश टू एन बाय टी. तो चलो बाकी वैल्यूज डाल दो स्टूडेंट. पावर कितना डालेंगे, पावर विल बी 10 वॉट्स. एन बाय टी को छोड़ दो. अब ध्यान से देखो, अगर हमने एच सी का वैल्यू ये डाल दिया 12,400, याद है, और लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में डाल दी, लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में इतनी है 5,000 एंगस्ट्रॉम. तो एनीबडी, ये एच सी बाय लैम्बडा जो बनेगा ये किस में बनेगा, जूल में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यूनिट ऑफ एच सी बाय लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन ये जो पावर है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लेकिन जो पावर है, पावर आपने 10 वॉट्स लिखा है, राइट? हेलो, पावर आपने 10 वॉट्स लिखा है स्टूडेंट. वॉट्स का मतलब होता है जूल पर सेकंड. वॉट इज एक्चुअली जूल पर सेकंड, मतलब एलएचएस पे आपका जूल चल रहा है, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है.
वो नहीं ठीक है. तो आई विश टू कन्वर्ट, ये मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल्स. तो आपने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स. आई विल मल्टीप्लाई हियर 1.6 × 10⁻¹. ये मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स. तो देखो अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देता हूं मैं, पूरा तो सॉल्व नहीं होगा, विल सॉल्व लिटिल बिट. ये देखो सबसे पहले ये दो जीरो कट हो जाएंगे, इसको से शिफ्ट करो लाइक 500 डिवाइडेड बाय 124 एंड आल्सो 1.6 × 10⁻¹⁹ पावर इक्वल टू n बाय t. देखो ऐसी कैलकुलेशन जब आती है ना तो बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको इसको लॉग से सॉल्व करना चाहिए, लॉग टेबल एंड सॉल्व इट. ठीक है, लॉग टेबल याद होगा ना कि भूल गए हैं कैसे यूज करते हैं. याद है लॉग टेबल कैसे यूज की जाती है? स्टूडेंट सबको लॉग टेबल आते हैं ना यूज करने? हाँ सर आते हैं. तो उसको यूज करके आप इसको खुद ही फिनिश कर लो. इट इज अ होमवर्क नाउ, ये होमवर्क है अभी. इसको एज अ लॉग टेबल से ही सॉल्व करके आंसर निकालो नेक्स्ट टाइम तक. टेक इट एज अ होमवर्क एंड फिनिश इट. स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये 50 है, 500 नहीं है. देखो मैं मानता हूँ ये 50 है, लेकिन 50 जब इधर जाएगा ना, इधर वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 10 कहाँ गया फिर? 50 और 10 मल्टीप्लाई होकर 500 हो जाएगा. चलो नोट डाउन कर लो और बाकी कैलकुलेशन एज अ लॉग से करो. इट इज लाइक अ होमवर्क. मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग करके आएंगे, है ना. कुछ लोग का तो बुक ही नहीं खुलेगा कभी, ये पेज ही वापस कभी नहीं खुलेगा, है ना. जो लेकिन लेकिन कर सकते हैं करके आओ, लॉक टेबल से ही आंसर निकालना. ठीक है, सो अंडरस्टूड हाउ टू डील विद अ पावर. पावर से आप ऐसे डील कर सकते हो, पावर इज एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम. चलो अब स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल, यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ठीक है, बहुत इजी दे रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, ट्राई करो. राइट डाउन क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखो. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द वर्क फंक्शन, राइट ऑन, द वर्क फंक्शन of a certain metal, the work function of a certain metal is 6.63 electron volt. The work function of a certain metal is 6.63 electron volt. Then find threshold frequency and threshold wavelength for that metal. Then find threshold frequency and threshold wavelength for that metal. ठीक है, लिखा. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई करो, बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी. ट्राई करो.
अगर किसी को आंसर आ रहा है, सपोज फ्रीक्वेंसी इफ यू गॉट, यू कैन टेल मी. यहाँ पे कन्वर्जन का ध्यान देना स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कंफ्यूजन होना होगा, थोड़ा ध्यान से करना. या एनीबडी हैविंग फ्रीक्वेंसी? Yeah, anybody got the frequency? Tushar Sharma, एक मिनट माइक ऑन करो. तुषार शर्मा. यस सर. कुछ कर रहे हो कि नहीं? कर रहा हूँ. कौन सी फॉर्मूला यूज करो, खाली फॉर्मूला बताओ. सर वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच म्यू नॉट. ठीक है करो. रोहन मोरे माइक ऑन करो. रोहन मोरे. यस सर. हाँ कुछ आंसर आ रहा है क्या? हेलो रोहन, आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर सॉल्व कर रहा हूँ. कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हो? न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एच. ठीक करो. अभी एक स्टूडेंट ने कुछ आंसर मैसेज किया है, एक मिनट. स्नेहा कुशवाहा ने आंसर दिया है. स्नेहा का आंसर है 1.6 × 10^15. अकॉर्डिंग टू स्नेहा द आंसर इज 1.6 × 10^15. बाकी लोग एटलीस्ट कंफर्म करो ये राइट है कि रॉन्ग है. सी वर्क फंक्शन जो है W, वर्क फंक्शन मैंने आपको दिया है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है मैंने. उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई करेंगे. एच की वैल्यू डालोगे 6.63 × 10^-34 है ना, और न्यू ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा. यस करेक्ट है. तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैं अभी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हाँ सर चल रहा है अभी चल रहा है, आप सब अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, मुझे भी धोखा दे रहे हो. इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है ये. ये आराम से मुझे लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है 30-40 सेकेंड के अंदर खत्म होना चाहिए क्वेश्चन. तो ये जो है ना वो आप जो बोल रहे थे हाँ सर कर रहा हूँ, हाँ सर यूज कर रहा हूँ मैं अभी, आप पागल बना रहे हो बैठ के, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता अच्छे से. वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. अगर किसी को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में क्यों कन्वर्ट किया, व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग दिस, एक सिंपल बता देता हूँ. जब आप ध्यान से सुनना, जब भी आप एच सी का वैल्यू 12,400 डालते हो, याद है जब एच सी का वैल्यू 12,400 डालते हो ना, तभी आपको सिर्फ अथॉरिटी है कि आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा. एनर्जी तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है.
यहाँ पर हम लोग एच सी का वैल्यू 12,400 डाल ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे एच सी है कहाँ पर? तो याद रखो ऐसे केसेस में जहाँ पे आप एच सी का वैल्यू नहीं डाल रहे हो, 12,400 नहीं यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन जूल्स, यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सिर्फ वो एक स्पेशल केस है जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हो, दैट इज एच सी का वैल्यू 12,400। देखो ये न्यू आ गया 1.6 × 10^15 हर्ट्ज। Anybody, ये threshold frequency है। threshold wavelength पता है कैसे निकालेंगे? Mu naught, there is threshold frequency, is given by C by lambda naught. Mu naught को C by lambda naught लिख सकते हैं, इनको इंटरचेंज करो, so lambda naught will be C by mu naught. यस स्टूडेंट कुछ आंसर दे रहे हैं, करेक्ट है वो। स्पीड ऑफ लाइट आप पुट करो, सी की वैल्यू होती है 3 × 10^8 और न्यू नॉट की वैल्यू ये है 1.6 × 10^15। ये जो डिवीजन है 3/1.6 ना, इट कैन बी रिटन एज 30/16, इसको 30/16 लिख सकते हैं। और ये पावर को सॉल्व करो, ऑन सॉल्विंग द पावर 10^-7 विल कम। बस 30/16 को सॉल्व करो स्टूडेंट, पहले आप 2 की टेबल लगाओ, इट विल बिकम 15/8 और फिर 15/8 पे आप टेबल लगाओ 8 की। एनीबॉडी कैन फिनिश दिस राइट, लैम्बडा निकालो अच्छे से, फिनिश इट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर आएगा। कुछ स्टूडेंट ने तो ये आंसर निकाल लिया, इट्स वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी कुछ स्टूडेंट है वो तो हमेशा करते ही रहेंगे, दे विल कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। 1.875 समथिंग राइट × 10^-7। स्टूडेंट ये जो लैम्बडा है वो मीटर्स में आएगा कि अभी फिलहाल एंगस्ट्रॉम में आएगा यहाँ पर, एनी आइडिया? It will come in meters. Yes, it will come in meters. चलो जल्दी से अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे भी छोटा क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ, जल्दी से उसको फिनिश करो। One last question I'm giving. जल्दी से एक last question देखो। हाँ, read on fast. If proton and the electron, हाँ, please read on fast. If proton and the electron are having same de Broglie wavelength, jaldi likho. If proton and the electron are having same de Broglie wavelength and the mass of proton and the mass of proton is 2000 times. Mass of proton is 2000 times that of electron. Mass of proton is 2000 times that of electron. Then find the ratio of their kinetic energies. Then find the ratio of their kinetic energy. Matlab kinetic energy of proton divided by kinetic energy of electron nikalna. प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट, हार्डली 1 मिनट आई विल गिव यू, एक मिनट दे रहा हूँ, कर लो, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से करो तो हो जाएगा। ट्राई फॉर 1 मिनट। इट्स एक्सट्रीमली इजी, अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो बहुत इजी है। एक मिनट में ट्राई कर लो, जो फॉर्मूलाज मैंने अभी समरी में दिए ना, सारी फॉर्मूला उसमें भी हो जाएगा, तो फॉर्मूलाज दैट आई गिव यू इन समरी उन फॉर्मूला से भी हो जाएगा।
इफ एनीबडी गेट्स आंसर यू कैन मैसेज मी और माइक पे बता सकते हो. या बहुत ही इजी है, अगर थोड़ा दिमाग लगा लिया तो बहुत जल्द से हो जाएगा. ओके, साहिल पाटिल और अमन कुमार आई थिंक उन्होंने आंसर दिया है 1/2000, 1:2000. अभिषेक मिश्रा का भी यही आंसर आ रहा है. सम आंसर्स आई एम गेटिंग, सम स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर, आंसर दे रहे हैं 1/2000. यस इट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1/2000, 1:2000. यस वेरी मच करेक्ट, गुड कीप इट अप. देखो अभी जिनका नहीं हो रहा है ना, यस प्रियंका चतुर्वेदी, स्नेहा कुशवाहा, एवरीबॉडी इज गिविंग राइट आंसर. तो हम पार्ट कर, करेक्ट है, हाँ सबका आंसर करेक्ट आ रहा है. चेतन इलक भी आंसर दे रहा है, वेरी गुड. चलो आज ये भी ध्यान दे रहा है, चेतन इलक का भी आंसर है 1/2000. चलो इट्स ओके, हाँ इट्स ओके इट्स ओके. चलो सी स्टूडेंट, जिनका आंसर नहीं आ रहा है, इनकेस मैं खाली हिंट दे देता हूँ, आप सुन लो ध्यान से, सिर्फ हिंट सुन लो और फिर खुद करो. इफ यू रीड द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों पार्टिकल्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, दोनों पार्टिकल्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है. अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा, दोनों का मोमेंटम सेम है. ओके तो याद रखो दोनों का मोमेंटम सेम है. उसके बाद आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करो, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय पी स्क्वायर अपॉन 2m. तो दोनों का मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा. ऐसा हिंट दे दिया, दोनों का मोमेंटम सेम है क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है. तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो उसके बाद, एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. ऐसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, कल भी देखता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, एंड उसके बाद आई विल स्विच टू द न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे.